विराज ट्रेडर्स द्वारा रिकांगपियो में ग्रोसरी एवं सब्जियों की फ्री होम डिलीवरी बाजार से बहुत ही कम दरों पर उपलब्ध। ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9459464693 पर। किन्नौर के कई पंचायतों ने प्रशासन से उनके क्षेत्रों में बस नहीं भेजने की मांग की है। रिकांगपियो डिपो के अड्डा प्रभारी सुजान नेगी ने यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अनलॉक के बाद जिला के सभी रूट्स पर बस सेवा शुरू कर दी गई थी, लेकिन कई ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। उन्होंने जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक अपने पंचायत क्षेत्रों में बस नहीं भेजने की लिखित मांग की है। सुजान नेगी ने बताया कि स्पीति क्षेत्र के लोगों ने तो बसों के लिए पूरी तरह से मनाही करते हुए चालकों को गाड़ी से उतरने भी नहीं दिया। वर्तमान में रोपा, सुन्नम, आसरंग, लिप्पा, निसंग, वहांगो, रारंग आदि रूटों पर बसें नहीं भेजी जा रही हैं। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मैं मोहिंदर नेगी। 1 जून से लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही प्रदेश के अन्य भागों की तरह किन्नौर सहित स्पीति क्षेत्र में भी हिमाचल परिवहन निगम की बसें दौड़नी शुरू हो गई थी। बावजूद इसके कई पंचायत क्षेत्र के लोगों ने निगम प्रबंधन को पत्र लिखकर यह मांग की है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक उनके पंचायत क्षेत्रों में बसें ना भेजी जाए। देखने में आया है कि सब जिस दिन बसें भेजी गई थी स्पीति क्षेत्र के कुछ इलाकों में तो लोगों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए निगम के चालक व परिचालकों को बसों से उतरने तक की मनाही कर दी थी। उन्हें लगता है कि बसों की आवाजाही होने से कोविड संक्रमण उनके क्षेत्रों में भी ना पैर पसार सके हैं। जब से सरकार से आदेश हुए हमारे को गाड़ियां चलाने की, तब से हम हर रूटों पे गाड़ियां चलाना शुरू किया और आसरंग, लिपा और हांगो पंचायतों ने हमें लिखित में सूचित किया कि गाड़ियां ना चलाया जाए, और रारंग और रोपा वालों ने और टेलीफोनली बताया कि गाड़ियां हमारे रूटों में ना भेजा जाए। और स्पीति एरिया में हमने मैक्सिमम रूटों में गाड़ियां चलाई, पर उन्होंने ना तो वो गाड़ियों में बैठे ना ही हमारे ड्राइवर कंडक्टरों को गांव में उतरने की इजाज़त दी। इसलिए गाड़ियां उसी टाइम वहां से वापस भेजा गया और इसलिए हमने ये एसटीएम काजा को भी सूचित किया और वहां हम गाड़ियां नहीं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मोहिंदर नेगी की रिपोर्ट।